मैंने जोल वहाँ पे लगा दिया हल। अभी मैं इस वाले खेत में लगाऊंगा जोल, वहाँ पे लगाया छोटा सा और एक खेत यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी सो हेलो मेरे YouTube फैमिली, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केदार घाटी की इन हसीन वादियों में। तो आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है एक पहाड़ी ब्लॉक में और पहाड़ी लाइफस्टाइल। तो आज आ रखा हूँ मैं हल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी आपको। तो आज आ रखा मैं हल, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ रखा मैं हल इस खेत में। इतना मैंने लगा दिया है यहाँ पे पूरा खेत अभी। तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि पहाड़ी लाइफ कैसी होती है, मतलब हल लगाना काफ़ी आसान नहीं होता है, तो काफ़ी स्ट्रगल होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना तो मैंने लगा दिया है यहाँ पे देख सकते हो आप। और एक खेत ये लगाना, एक वहाँ नीचे पे है और एक छोटा दूसरा है। तो यहाँ पे ये हमारे, तो यहाँ पे लगा दिया। तो ब्लॉक में बने रहे, तो ब्लॉक में बने रहे और देखिए ये पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉक। और मेरे साथ आ रखे यहाँ पे पल्ला भी आज के ब्लॉक में। तो यहाँ से देख सकते हैं गांव का व्यू। अभी चाचा जी लगा रहे क्या फल, देख सकते हैं चाचा जी लगा रहे हैं। देखो क्या लगा रहे हैं, कितने पांच लगा रहे हैं। और मैं आज आपको बताता हूँ कि इन पे क्या क्या लगता है, किस चीज़ को क्या बोलते हैं। और सबसे पहले ये होता है, इसको बोलते हैं जुआ, जो इनके कंधों पे रखा जाता है, इसको इस तरह बांधा जाता है। फिर ये होता है नाड़ा, यहाँ पे ये देख सकते हैं इसको, मतलब इस साइड दोनों साइड इस तरह कर किया जाता है ताकि दोनों में भार बराबर हो। फिर ये होती है लाट, और लास्ट में ये होता है नसुड़ा। तो इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से लगाया जाता है इसको। और जो इनके मुंह पे लगा रखे हैं वो होते हैं मुहाले, क्योंकि हल लगाते टाइम घास को इधर उधर खा लेते हैं तो हल लगाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इनके मुंह पे ऐसे लगाया जाता है जिससे कि वो हल ही में ध्यान दे, खाने में ना दे ज़्यादा। तो देख सकते हैं गाइस, और मेरे ब्लॉग आज शूट कर रहे हैं पल्लवी यहाँ पे। पूरे गांव के नजारे देख सकते हैं आप। अभी तो इतना ही है, देखो इतना ही, इतना हो गया ना, इतना ही हो रहा है आप देख सकते हैं। मैंने इतना हल लगा दिया, ये खेत थोड़ा मतलब ऐसा है ऊपर नीचे वाला देख सकते हैं आप, मतलब सिंपल खेत नहीं है ये। तो यहाँ पे देख सकते पत्थर काफी है इस खेत में, और इसमें ये होता है ना पत्थर लगने की चांसेस होते हैं, और उससे ये जो इसकी लाट ये नसड़ा ये बाहर पे ये होते ना फोटा ये टूटने का चांसेस रहता है। तो इसको मतलब संभाल के हल लगाना पड़ता है। और गाइस देख सकते हैं मतलब बहुत ही कठिन लाइफ होती है पहाड़ों की, ये हल लगाना तो बहुत ही मुश्किल, और देख सकते हैं आप ऐसी लाइफ होती है। और अभी यहाँ पे इतना लगा दिया मैंने ये वाला खेत, यहाँ पे देख सकते हो आप, और यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी खेत है, और यहाँ नीचे भी हल लगा रहे लोग नीचे। तो देख सकते हो इतना तो लग गया है लगभग लगभग। तो ये है हमारा, ये हमारा हीरा एंड ये हमारा मोती, काफ़ी बुढ़े हो गए, मतलब 5-6 साल हो गए इनको हमारे पास। तो देख सकते हैं ये हमारे बैल। सो गाइस देख सकते हैं अभी उसका पार्ट, यहाँ छोटा पार्ट एक यहाँ पे भी है क्योंकि बीच में ये दुकान है यहाँ पे, तो इसलिए छोटा पार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। इतना ये भी लगा दिया है, अब नीचे लगाऊंगा मैं इसके बाद। तो ब्लॉक पे बने रहे और देखिए, अभी मैंने ना हल जो लगा दिया है इसके बाद इसमें जोल लगाया जाएगा। तो जोल आपको दिखाते किस तरह से जोल रहता है, और ये देख सकते हैं ये होता है जोल इस तरह से रहते हैं, मतलब इसकी पट। तो इससे ये होता है ना फायदा, जो ये ढिक्के रहता है ये बिल्कुल समतल हो जाता है, ढिक्के फूट जाते हैं, तो इसलिए जोल लगाया जाता है। और अब बैठेगी पल्ला भी जोल में यहाँ पे। बचपन में पापा के साथ बैठा था जोल में, बहुत ही मजा आता था ये वाली लाइफ, मतलब बचपन में बहुत ही इंटरेस्ट था इन सब में। तो देख सकते हैं आज पल्ला भी बैठेगी जोल में। तो इस तरह से लगाया जाता है, इस तरह से पांव रखे जाते हैं इसमें। अब आगे की अभी ना मैंने जोल वहाँ पे लगा दिया हल, अब मैं दूसरे खेत में ले जाऊंगा बैलों को। और यहाँ देख सकते हैं कंधे में इस तरह ले जाया जाता है जोल को, आप देख सकते हैं मतलब भारी, काफ़ी भारी होता है।
और यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से गांव का व्यू देख सकते हैं, कुछ इस तरह से दिखता है। तो फाइनली ये वाला खेत मैंने लगा दिया है। उसके बाद उस खेत के बाद मैंने एक खेत वहाँ पे लगाया छोटा सा, और एक खेत यहाँ पे, तो देख सकते हैं। और अभी बैलों को काफ़ी थकान लग गई है, मतलब देख सकते हैं अरे, तो इन पर देख सकते हैं, ये वाला तो ज़्यादा ही हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वाला खेत पूरा लगा दिया मैंने। आप यहाँ पे जो लगाऊंगा उसके बाद मैं चले जाऊँगा। तो देख सकते हो आप, यहाँ पे अंकल जी भी अपने बैल चुगा रहे हैं अभी, मतलब उन्होंने भी वहाँ पे हल लगाई। तो यहाँ से गाँव के लिए हल मैंने पूरे लगा दिया है, देख सकते हो आप, ये खेत पूरा हल और जो लगा दिया है। अब इनको खुला दिया है, तो देख सकते हैं सारे इनके मुँह पे लगाए जाते हैं। इनको मुआ बोलते हैं, मुस्काल बोलते हैं, मुआवे बोलते हैं। ये होता है श्योता और ये जुआ। अब यहाँ पे इनको चुगाएंगे थोड़ा देर में। अभी हालत ऐसी हो गई ना, बोला भी नहीं जा रहा मुआ कसम। तो यहाँ पे ये दोनों चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद इनको बांधूंगा। और मेरी हालत देख सकते हो आप कितनी गंभीर हो गई है, मतलब इतनी थकान लग गई है। तीन खेत लगाए मैंने, और बैलों की भी तो क्या ही बोले, मतलब बहुत ही मुश्किल और बहुत कठिन होता है पहाड़ों में इन खेतों में हल लगाना। तो अब तो काफ़ी लोग ट्रैक्टर भी लाते हैं, मतलब गाँव साइड भी। तो एक दो साल में ऐसा हो गया ना, पूरे गाँव वाले लोग ट्रैक्टर ला देंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं एक ऐसी ब्लॉग के साथ, तब तक ओके, वेट ऑन वॉच। तो चलो।